पूर्णिया के साथ पूरा सीमांचल उस वक्त दहल गया जब दिन के 12 बजे 7 डकैतों ने पूर्णिया के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में घुसकर ऐसी भीषण डकैती को अंजाम दिया। इसके बारे में जिसने भी सुना वह अंदर तक हिल उठा। इन डकैतों की हिम्मत इतनी थी कि 4 डकैतों के ऊपर तो कपड़े बंधे थे लेकिन 3 डकैतों के चेहरे पूरी तरह खुले हुए थे। यह बिहार में अब तक हुई सबसे बड़ी डकैती में से एक बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इन 7 डकैतों ने मिलकर मात्र 20 मिनट के अंदर 20 करोड़ रुपए के गहने लूट लिए और वहां से चलते बने। तनिष्क का यह शोरूम पूर्णिया के रेणु उद्यान क्षेत्र में लाइन बाजार के रेमंड शोरूम के ठीक सामने अवस्थित है। घटना के बारे में शोरूम में मौजूद लोगों का कहना है कि 3 डकैत कस्टमर बनकर शोरूम में घुसे और उन्होंने हथियार के बल पर शोरूम के सभी कर्मचारियों को शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर बंद कर दिया और उन सबके मोबाइल जब्त कर लिए। इस दौरान अगर कोई भी कर्मचारी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था तो उसे गन पॉइंट पर गोली मारने की धमकी दी जा रही थी। इस दौरान डकैतों ने देखते ही देखते शोरूम में रखे गहने को लूटना शुरू कर दिया। चंद मिनटों के अंदर ही उन्होंने लगभग 20 करोड़ के गहने बैग में भर लिए और वहां से फरार हो गए। भागने के क्रम में एक डकैत गिर भी पड़ा लेकिन उठकर फिर फरार होने में सफल हो गया। यह सभी लुटेरे टीवीएस राइडर बाइक से आए थे और उसी से फरार भी हो गए। इसी दौरान एक डकैत का पिस्टल भी सड़क पर गिर गया जिसे एक टोटो चालक ने उठा लिया लेकिन इस टोटो चालक ने भी पिस्टल जमा नहीं किया अपितु पिस्टल लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पूर्णिया पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए। यह पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। हम आपको बता दें कि पूर्णिया के इस तनिष्क शोरूम के मालिक पूर्णिया पूर्व विधायक राम नारायण सिंह हैं जो एक बड़े ठेकेदार भी हैं और पूर्णिया और इस्लामपुर में उनके कई कोल्ड स्टोरेज भी है। पूर्णिया के इस तनिष्क शोरूम में कुल 24 स्टाफ है लेकिन जहां तक सुरक्षा कर्मी की बात है शोरूम के बाहर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है वह भी बिना किसी गन के। फिलहाल समाचार बनने तक पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही थी लेकिन किसी भी अपराधी को पकड़ा नहीं जा सका था। अभी तो जानकारी मिली है कि यहाँ पर तनिष्क ज्वेलर्स का है जिसमें दुकान खुला है और अपराधकर्मी घुस के उसमें लूटपाट करके भागे हैं। चेकिंग लगाया जा रहा है और उन्हें पता किया जा रहा है। कितने की संख्या में आए हुए थे? कितना लूटे लगे? 5-6 आदमी के बारे में बोलता है। कुछ दो रोड पर थे, 3-4 अंदर घुसे थे और क्या अभी तो कुछ बताया नहीं कि कितना ले गया है लेकिन झोला में राइडर बाइक से गया है। अभी हम लोग उसको चेकिंग पॉइंट लगा के अभी चेक कर रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि कुछ लोग इस डकैती को 3 करोड़ की डकैती बता रहे हैं तो कुछ लोग 20 करोड़ की, लेकिन असली अमाउंट का उस समय पता चल पाएगा जब शोरूम के मालिक अपना सारा स्टॉक मिलाएंगे।